ना मैं धर्म जानती है, ना मैं जात जानती है, मैं दो ही जेंडर जानती है, एक स्त्री और एक पुरुष। कपड़े धोने का गंदा पानी उनके मुंह में भी जाता होगा, ना कपड़ा हाइजीनिक, ना हमारा धोबी बांधा हाइजीनिक। लेकिन थोड़ा महिला करके जो हमारे ऑफिसर है सोचते है, अरे ये महिला है उनको क्या मालूम है। लेकिन जब ये वो कायदा बताते हैं तो इजीली कायदा मैं बताती। मुझे लगता है 25 ईयर्स के पहले टोकन प्रोविजन विविंग गैलरी की हो जाती थी, लेकिन उसके ऊपर फॉलो करके कुछ काम करवाना एक किसी नगर सेवक ने किया नहीं। नमस्कार, मैं हूं निकी और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वर्ली विधानसभा की नगर पालिका किशोरी पांडेकर जी से। किशोरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल 9। नमस्कार, जय महाराष्ट्र। किशोरी जी, सबसे पहले तो आप वर्ली विधानसभा की नगर पालिका है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें बताइए। नगर सेवक करके जो नगर पालिका का सेवक रहता है जिसको हम कारपोरेट बोलते हैं, वो मैं 199 जिसमें ज़्यादा से धोबीघाट और हमारा स्लम एरिया ज़्यादा इधर है। धोबीघाट हेरिटेज है और धोबीघाट में पहले बहुत से, मुझे लगता है 25 ईयर्स के पहले टोकन प्रोविजन विविंग गैलरी की हो जाती थी, लेकिन उसके ऊपर फॉलो करके कुछ काम करवाना एक किसी नगर सेवक ने किया नहीं। लास्ट 2017 में जब ही चुनाव आ गया, अभी घूमते घूमते मैंने जो एजेंडा में लिखा था कि मैं आने के बाद धोबीघाट का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर देगी, तो मैंने पहला काम ये ड्रेनेज और स्टॉर्म वाटर लेन जो बोलते हैं हमारे धोबी बांधव, जब भी मैं आने के पहले इतना इतना पानी उनके मुंह में भी जाता होगा, ना कपड़ा हाइजीनिक, ना हमारा धोबी बांधव हाइजीनिक। ऐसा देखने के बाद जो हमारे डायरेक्टर थे वटकर साहब, उनको मैं लेके आई और 600 ml की जो बड़ी लाइन बोलते हैं वो डाल दी। वो डालने के बाद 12 चेंबर बना दिया कि जी जब भी काम करते हैं तो एक आधा कपड़ा अंदर जा जाता है और उदय चोकअप हो जाता है, तो अभी चोकअप होना बहुत कम हुआ है। अपने इधर जो फॉरेनर पर्यटक आते हैं वो विविंग गैलरी देखेंगे और विविंग गैलरी के सामने रह के धोबीघाट का खुद का फोटो जो सेल्फी बोलते हैं वो भी निकाल सकते हैं। सर, दोनों का मतलब लेके ये विविंग गैलरी बन रही है। इसके कारण हमारे जो पर्यटक है उनको नीचे जाके और कुछ गलत होता है तो वो गलत से भी बच सकते हैं, हमारे धोबी बांधव भी अच्छी तरह अपना काम कर सकते हैं, और ये जो व्यू है धोबी बांधव का जो कपड़ा काम करने का वो सब ऊपर से ही उनको देखने को मिलता है। मुंबई में धोबीघाट बहुत है, लेकिन पहला धोबीघाट है जो हमारा महालक्ष्मी म्युनिसिपल धोबीघाट है और पहला है कि उसके ऊपर विविंग गैलरी बन गई है। क्या खासियत है यहाँ के धोबीघाट की? एक तो ये हेरिटेज है, उनका गिनीज बुक में नाम गया है। ये जो सब लोग है 731 करके जो धोबी शिला रहती है स्टोन, वो लोग है और इतने मीन्स पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन बहुत समझदार है, अपना धंधा बहुत अच्छी तरह करते हैं, किसी को बिना तकलीफ दे के धंधा करते हैं। तो मुझे लगता है ये ऐसा हेरिटेज धोबीघाट मेरे सौभाग्य में आ गया और मुझे वो काम करने को मिल गया। किशोरी जी, एक महिला के रूप में आप नगर सेविका के लिए काम कर रही हैं, तो कितना मुश्किल होता है या इजी होता है? नहीं, मुझे लगता है महिला और पुरुष ऐसा कुछ नहीं, लगन होना चाहिए, खुद में एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यस आई डू इट, मैं कर सकती है तो सब हो सकता है। अभी भी मेरी जो उद्घाटन जो बोलते हैं हम करते हैं उसके काम का 28 काम बाकी है कि जिसके उद्घाटन होना चाहिए। अभी हमारे MLA सुनील शिंदे, इधर का जो संसद है अरविंद सावंत ने तो अपना पूरा नाम जो भारत देश का पूरा वर्ल्ड में लेके गए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारा जो MLA है सुनील शिंदे, और सामने वाले वार्ड में मेरा, मुझे दो विधानसभा लगती है, एक अजय चौधरी एक सुनील शिंदे, दोनों दबंग आमदार है, बहुत दम से काम करते हैं, लगन से काम करते हैं और लोगों में जुड़े हुए आमदार है। तो मुझे लगता है वो सब तीन लोग ज़्यादा काम करते हैं तो मुझे बहुत इजीली काम होता है। लेकिन थोड़ा महिला करके जो हमारे ऑफिसर है सोचते है, अरे ये महिला है उनको क्या मालूम है। लेकिन जब ये वो कायदा बताते हैं तो इजीली कायदा मैं बताती।
और मैं लोगों को बोलती रहेंगी अरे नहीं कायदे में ये नहीं है, कायदे में कब बोलेंगे तुमको क्यों चुनके दिया। तो मुझे लगता है कायदा फॉलो होना चाहिए, लेकिन कायदा फॉलो होने के टाइम अपनी भी सोच अच्छी रहनी चाहिए और लोगों में जो भाव रहता है ना, मैं धर्म जानती है ना मैं जात जानती है, मैं दो ही जेंडर जानती है, एक स्त्री और एक पुरुष, और मिलके काम करते हैं। क्या लगता है किशोरी जी इस बार किसकी सरकार होगी? नहीं 100% हमारी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की, नो डाउट। जबकि इस बार तो महागठबंधन भी हो गया है, जगह यूपी सरकार ने भी महागठबंधन कर लिया, अपोजिशन पार्टी ने महागठबंधन कर लिया है, कितना मुश्किल होगा मोदी जी के लिए? मुश्किल ही देखो, जब ही जंग छेड़ते है ना तो सब जंग मुश्किल ही होती है, लेकिन जिसके पास कार्यकर्ताओं का माहौल है, जिसके पास मतदाताओं का विश्वास है, वो जंग इजी हो जाती है। अभी गठबंधन बना दो, कुछ भी करने दो, हम हमारा काम अच्छी तरह करेंगे। हमारे दोनों पार्टी के जो पदाधिकारी है या कार्यकर्ते है, वो दिल से हम मिल गए हैं, तो लगन से और दिल से काम करेंगे। तो इस बार मोदी सरकार ही आएगी, 100% मोदी सरकार ही आएगी।